दोस्तों, यदि हमें फिजिक्स को समझना है और उनको बहुत ही आसानी से समझना है तो आज के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ट्रिक के माध्यम से यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा है वो तो कुछ अलग टाइप का प्रश्न है जिसके माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उसके बाद आगे हम आपको ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात को चुटकियों में याद कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रतिबाधा को कैसे याद करें, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आज का जो पूरा प्रश्न है वो क्या है, प्रत्यवर्ती धारा पर संबंधित प्रश्न है। यहां पर मैंने जितने प्रश्न लिखे हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। मतलब यहां पर आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि घरों में प्रवाहित धारा कौन सी धारा होती है, तो है ना, तो जो भी उत्तर आएगा वो यहां पर है। इसका उत्तर अगले प्रश्न से संबंधित है, यहां पर जो उत्तर आएगा वो अगले प्रश्न से। मतलब प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब देखिए पहला प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं कि हाँ, एक बात याद रखिएगा, आज के वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना, और अगर आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको आज के वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको कुछ अंक कन्फर्म हो जाएंगे। मतलब 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। छोटा सा वीडियो जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए आपको पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, घरों में प्रवाहित धारा कौन सी धारा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि घरों में जो प्रवाहित धारा होती है, घरों में जो धारा दी जाती है वो होती है प्रत्यवर्ती धारा। तो देखिए पहला प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गया कि पहला जो प्रश्न क्या हो गया, घरों में प्रवाहित धारा कौन सी धारा होती है, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब दूसरा प्रश्न यहां से बन रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, यहां पर मैं धारा लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है फिर। तो भाई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है 50 चक्र प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति है वो 50 चक्र प्रति सेकंड है। मतलब ये क्या होता है, जब इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, है ना, तो ये 50 बार क्या होगा, एक दिशा में जाएगा और 50 बार अगली दिशा में जाएगा, मतलब विपरीत दिशा में। कुल मिला के क्या हो रहा है, ये 50 बार ऊपर की ओर, 50 बार नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 50 बार विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक चक्र में ये 2 बार क्या करेगा, प्रत्येक चक्र में 2 बार, मतलब जब ऊपर की ओर जा रहा है तो प्रत्येक चक्र ऊपर की ओर भी 2 बार क्या करेगा, अधिकतम मान प्राप्त करेगा, और नीचे की ओर भी 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर ये 50 जो है 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करेगा तो यहां पर भी 100 होगा, ठीक है, और नीचे की ओर भी क्या करेगा, अधिकतम मान प्राप्त करेगा 2 बार, मतलब नीचे में भी क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर एक प्रश्न मिल रहा है आपको कि बल्ब का जो जलना है, आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में जो बल्ब होते थे, है ना, जो बल्ब होता था, आजकल तो विभिन्न प्रकार के बल्ब आ गए हैं, तो आपको बताना है कि बल्ब जो है ना, 1 सेकंड में, यहां पर प्रति सेकंड की बात हो रही है ना, और प्रति सेकंड के आधार पर ही हमने क्या निकाला है, आवृत्ति निकाला है। और हमने ये तो पता कर लिया कि ऊपर और नीचे, मतलब एक दिशा में और विपरीत दिशा में 50 बार होता है वो, है ना, 50 बार ऊपर की ओर, 50 बार नीचे की ओर, और दोनों ही बार वो क्या करता है, 2 बार अधिकतम मान प्राप्त करता है, तो कुल 100 बार। अब आपको बताना है कि कोई बल्ब जो है 1 सेकंड में कितने बार जलता है और कितने बार बुझता है। निश्चित रूप से आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और एक बल्ब जो है, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है कि बल्ब जो है 1 सेकंड में 100 बार, ये दोस्तों 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन भाई हमें तो बल्ब जो है कंटिन्यू जलता हुआ ही दिखाई देता है, तो क्योंकि हमारी जो आंख है उनकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो 1 सेकंड के 100वें भाग को देख सके, है ना, इसलिए हमें लाइट जो है जलता हुआ दिखाई देता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अगर आप मोबाइल के माध्यम से टीवी में अगर फोटो खींचने का प्रयास करें, वीडियो लेने का प्रयास करें, या फिर बल्ब का आप वीडियो बनाइएगा, वीडियो शूटिंग कीजिएगा बहुत नजदीक से, तो वो ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि लाइट कंटिन्यू जल नहीं रहा होता है। वो हमारे आंख के कारण होता है, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी नहीं होती है कि हम उसको 1 ही सेकंड में 100 बार जलता हुआ और 100 बार बुझता हुआ देख पाए। तो आइए दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे हमें एक चीज पता होता है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो भाई उसी को यदि हम प्रत्यावर्ती धारा में बात करें, है ना, अल्टरनेट करंट में बात करें, एसी करंट में बात करें, तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है ना, तो इसमें ये तो प्रतिरोध क्या हो गया, सामान्य धारा की बात हो गया, लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा में या तो कुंडली, प्रेरक कुंडली है ना, या फिर संधारित्र, जब ये क्या करे,
मतलब प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध के अलावा प्रत्यावर्ती धारा में जब कुंडली और संधारित्र क्या करता है, अलग अलग या तो कुंडली या फिर संधारित्र धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? ये तो सिंपल सा क्या कहलाएगा, ये तो प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा में कुंडली या फिर संधारित्र जो है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिघात। और प्रतिघात को किससे दर्शाया जाता है? एक से। यहां पर प्रतिघात का जो मान होता है उसी से संबंधित मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप लोग देखिएगा बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद होता है प्रतिबाधा। तो ये प्रतिघात तो हमें समझ आ गया है, प्रतिरोध और प्रतिघात हमें आसानी से समझ आ गया, लेकिन ये प्रतिबाधा क्या है ध्यान दीजिएगा, और इसका मैं बेहतरीन ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूं। ये है प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा किसे कहते हैं? इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जब दो या दो से अधिक, अभी प्रतिघात में क्या हो रहा था? प्रतिघात जिसको हम बोलते थे एक से, है ना, प्रतिघात में एक ही चाहे वो संधारित्र हो या फिर कुंडली हो, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं। लेकिन अगर वो प्रत्यावर्ती धारा है और उस धारा के मार्ग में दो या दो से अधिक मिलकर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, तब उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। और इसको जेड से तो दर्शाते हैं तो तय है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो दो या दो से अधिक हो, तो हम क्या करेंगे? प्रतिबाधा निकालने के लिए, जेड का मान निकालने के लिए हमें दो या दो से अधिक, मतलब या तो कुंडली मिलकर या फिर संधारित्र मिलकर या फिर संधारित्र मिलकर या प्रतिरोध मिलकर या फिर L और C मिलकर तो कर लिए हैं, या फिर यहां पर क्या कर सकते हैं? R और C मिलकर। इसका मतलब यह भी है कि इन तीनों के द्वारा भी क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक मिलकर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। अब सबसे मुख्य समस्या यहां पर यह आती है कि प्रतिघात और प्रतिबाधा का जब मान लिखते हैं ना, वहां पे गड़बड़ होता है। तो उसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध को तो आपको कुछ भी और बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपल सा प्रतिरोध हो गया है। अब यहां पर हमें ट्रिक समझना है, तो देखिएगा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये हो जाएगा प्रतिघात। अब ये प्रतिघात है क्या, ध्यान दीजिए, इसको हम एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रतिघात को किसके लिए दर्शाएं? कुंडली के लिए दर्शाएं, तब इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स एल बोलेंगे। और इसे ही हम संधारित्र के लिए दर्शाएं तो इसको हम बोलेंगे एक्स सी, ठीक है। अब इनका मान क्या दिया थे? यहां पर अगर हम आर की बात करते हैं तो आर तो सिंपल सा आर है, प्रतिरोध है। अब जब हम व्यंजक बनाते हैं तो इनका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है, एक्स सी का मान या फिर एक्स एल का मान, तो इसका मान कितना होगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको हम आर एल और सी की बात करें तो इसको हम तीन नाम दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो मैं ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखिए यहां आर से हम इसको बोलते हैं राम, एल से बोलते हैं लखन और सी से बोलते हैं सीता। मतलब राम, लखन और सीता, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, राम और लखन मेल है और सीता जो है फीमेल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राम तो स्वतंत्र है और किसी पर आश्रित नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? आर ही लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स एल है तो हम ये मानते हैं कि लखन जो है आर पर आश्रित है, राम पर आश्रित है, तो एक्स एल इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार लिखना पड़ेगा, और ये इसका प्रतिघात हो गया है। देखिए इसमें हमने W जोड़ा, लेकिन इसमें हमने और किसी चीज को नहीं जोड़ा है, ठीक है। और ये क्या होता है? आवृत्ति होती है, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, है ना। यहां पर देखिए एक्स सी है। अब देखिए हम बात कर रहे थे, ट्रिक बता रहे थे कि ये क्या है, एल है, अगर लखन है तो हम इसको बोल रहे थे मेल है। अब फीमेल विपरीत होता है तो इसको हम क्या करेंगे? और ये भी आश्रित है, राम पर आश्रित है, आर पर आश्रित है, मतलब तो इसको हम क्या करेंगे? एक बटे जो फीमेल है उसको हम W क्या कर देंगे? सी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सरल तरीके से, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि किसको बटे में लिखेंगे सर, है ना, क्योंकि अगर परीक्षा में हम व्यंजक बना रहे हैं तो एक्स एल का मान रखते हैं तो कई बार बच्चे इसको भिन्न में लिख देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? अंश में लिख देते हैं। तो यहां पर कोई भी गलती नहीं होगा, बस आपको मेल फीमेल याद करना है, फिर मेल वाले को आप क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे और फीमेल वाले को विपरीत लिखेंगे। तो ये तो हो गया एक ट्रिक। अब आपको क्या करना है, यदि प्रतिबाधा निकालना है तो प्रतिबाधा तो आप बहुत प्रकार से निकालेंगे, अलग अलग प्रतिबाधा आप निकाल सकते हैं, तो इनको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप यहां लिख सकते हैं RC लिख सकते हैं, है ना, RL प्रतिबाधा लिख सकते हैं, है ना, या फिर L और C प्रतिबाधा लिख सकते हैं, या फिर L C और
अब इनके परिपथ तो हम तैयार कर सकते हैं, इनके सिंगल सिंगल भी परिपथ तैयार कर सकते हैं आर के लिए, एल के लिए और सी के, लेकिन हमको दो चीजों से मिलाकर जो बनाना है वो क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। तो इनके लिए आर और सी के लिए मैं प्रतिबाधा बनाऊं तो यहां पर मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं ना वो बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यही वो बेसिक ट्रिक है, यही वो बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम फिजिक्स को बहुत ही क्या कर सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो ये देखिए यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैं आर और सी के बीच प्रतिबाधा निकालूंगा तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर इसका उत्तर कितना आएगा यही हम भूल जाते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां पर देखिए मैंने इसको ट्रिक बताते समय क्या बोला है, इसको राम बोला है और इसको सीता बोला है। तो जो उत्तर आप निकालने वाले हो, अभी तो मैंने ट्रिक बताया कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो पहला वाला देखिए, आर और सी, आर और सी का जोड़ी फेमस है, राम और सीता, तो जोड़ी फेमस है, प्लस लगा दीजिए। तो आर का तो आर ही होता है इसमें, और कोई चेंजेस नहीं करना होता है, लेकिन यहां पर आप स्क्वायर जरूर लगा दीजिएगा। और यहां पर आपको क्या करना है, सी है तो आप क्या करिएगा, यहां पर आपको प्रतिबाधा ही लिखना होता है, इसका स्क्वायर लगाना है, लेकिन इसका स्क्वायर लगाया तो इसका मान तो उतना ही रहता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मान तो आपको आर स्क्वायर ही लिखना है, प्लस इसका मान क्या लिखेंगे, एक बटे डब्ल्यू और सी, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, मतलब इसका भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी अलग से स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया है, आर सी का प्रतिबाधा निकल गया है। बहुत आसानी से आप ये देखिए, ये केवल ट्रिक है इसको याद करने के लिए, तो इस ट्रिक का प्रयोग हम कर सकते हैं और इसका प्रतिबाधा को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रतिबाधा जो हम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो हो गया है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको बेक करके देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ जानकारी के लिए। यहाँ पर ये पहला वाला निकल गया, आर का स्क्वायर प्लस एक बटे डब्ल्यू स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये पहला हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हम आर और एल के बीच प्रतिबाधा निकालेंगे तो हमको ये भी पता है राम लखन की जोड़ी फेमस है, मतलब जहां पर जोड़ी फेमस है वहां पे आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो राम लखन की जोड़ी फेमस है मतलब आपको क्या करना है, यहां पर जो प्रतिबाधा लिखेंगे मतलब आर का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या निकालेंगे, इसका प्रतिघात निकालेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब आप हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस यहां पर डब्ल्यू और एल पूरे का क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर हमें एक और मान मिल गया। ये देखिए इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका प्रतिबाधा निकल गया है आर और एल के बीच। तो इसको भी हम ऊपर में अलग से लिख लेते हैं, यहां पर मान बदल देते हैं इसको, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। तो ये है एक बेहतरीन ट्रिक। आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप एल और सी के बीच प्रतिबाधा निकालें तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम ट्रिक की बात करें तो एल और सी, अगर इसको हम लखन और सीता की बात करें तो इनकी जोड़ी तो है नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिनका जोड़ी फेमस है वहां पर आपको प्लस लगाना है, और जिनकी जोड़ी नहीं वहां पर माइनस लगाना है, ये ट्रिक काम करेगा। अब क्या करना है, चूंकि हमें एल और सी की बात करना है, यहां पर जोड़ी नहीं तो आप यहां पर आपको वर्ग भी नहीं करना है, जैसे हमने यहां पर वर्ग किया था, यहां पर वर्ग किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल का लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका प्रतिघात लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स सी का प्रतिघात। अब इसका मान तो हमें पता है, यहां पर हम डब्ल्यू ए लिखेंगे और इसका मान क्या लिखेंगे, एक बटे डब्ल्यू सी। तो दोस्तों ये आपका प्रतिबाधा का मान हो चुका है। जी हाँ, अगर आप एल और सी का प्रतिबाधा निकालते हैं तो उसका मान इतना ही होता है। इसको मैं यहां ऊपर पे लिख देता हूं, ये देखिएगा यहां पर लिख देते हैं, तो हमें इसका मान कितना मिल गया है, डब्ल्यू एल माइनस एक बटे डब्ल्यू सी। अब इसमें देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एल सी और आर के बीच क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने बताया था राम लखन और सीता, तो आपको राम का स्क्वायर कर देना है, आर का स्क्वायर कर देना है, मतलब प्रतिरोध का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपको एल का, मतलब यहां पर क्या करना है, इसका प्रतिघात, है ना, और माइनस, क्योंकि दोनों के बीच जोड़ी फेमस है इसलिए प्लस। यहां पर देखिए हमने कुंडली लिखा है ना, और यहां पर सी लिख रहे हैं, मतलब एक्स सी लिख रहे हैं, नहीं फेमस है इसलिए माइनस लगा दिए। यहां पर क्या करना है, वर्ग लगा रहे हैं लेकिन पूरे का। अब देखिए इनका अगर मैं मान रख दूं तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आर का तो आर ही होता है, यहां पर कोई भी मान आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, डब्ल्यू एल, और यहां पर क्या करेंगे, एक्स सी है, मतलब एक बटे डब्ल्यू सी। तो दोस्तों ये आपका प्रति क्या हो गया है, प्रतिबाधा का मान निकल चुका है एल सी आर के लिए। तो इस प्रकार आप ट्रिक का प्रयोग करके इनके जो मेन सूत्र है जिसको आप सिद्ध करते हैं वो याद कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो इस प्रकार आपसे कोई भी गलती
नहीं होगा प्रतिबाधा का सूत्र याद करने में। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको प्रतिबाधा का सूत्र याद करने में बहुत ही मदद करेगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही शानदार व्यंजक वाले वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस व्यंजक पर मैं एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।